करनाल के रामनगर में रहने वाला सिख परिवार काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। परिवार के 3 सदस्य नेत्रहीन हैं। इनके माँ बाप भी नेत्रहीन थे, जिनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार का मुखी गुरचरण सिंह, उसकी बहन गुरप्रीत और पत्नी नेत्रहीन हैं। गुरचरण सिंह की एक बेटी भी है जो पूरी तरह से स्वस्थ और आंखों से देख सकती है। इस परिवार ने सरकार से नौकरी या किसी भी प्रकार की सहायता की मांग की है। जी गुरचरण सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जी रामनगर करनाल में हम रहते हैं जी। देखो आप सब लोग देख रहे हो, मेरा सारा परिवार नेत्रहीन है। हमारे जो पिताजी थे वो कीर्तन करते थे, वो मम्मी पापा दोनों हमारे एक्सपायर हो चुके हैं और हमारा कोई भी कमाने का सोर्स नहीं है। वो भी ब्लाइंड थे लेकिन फिर भी वो कीर्तन करते थे और हमारे वो पालना करते थे। वो हमारी बहुत छोटी उम्र में गुजर चुके हैं और उस कारण हम अब कुछ भी कमा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे को ना अब कुछ आता है ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम तीनों ही जो है ब्लाइंड हैं। उसके बाद जो है भी ये मेरी सिस्टर है, इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इनकी जो दिल का हार्ट का वाल है वो ख़राब हो चुका है, तो हम दिल्ली इनको लेके गए थे। वो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए का इनका खर्चा है। हमारे पास कोई इतना पैसा अभी तक भी नहीं है कि हम इनका कोई टेस्ट करा सकें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से भी और आप लोगों से भी कि हमारी जितनी भी बन सके हेल्प करो, क्योंकि हमारा और कोई भी आसरा सहारा नहीं आप लोगों के। नाम बताओ जी। गुरप्रीत कौर है जी मेरा नाम। सर मैं कोई खाना खाती हूँ, कुछ करती हूँ, बिल्कुल पछता नहीं है। दिन रात नींद भी नहीं आती, बिल्कुल घबराहट रहती है। दिल्ली में चेक, सारे यहाँ पे डॉक्टरों में चेक कराया, उन्होंने दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली में चेक कराया, वो कहते हैं दिल का वाल भी वीक है, लीवर भी खराब है। 3,50,000 रुपए उन्होंने पहले जमा करने के लिए किए हैं, 3 लाख रुपए उन्होंने बाद में मांगे हैं। सर हमारे पास तो 50-100 रुपए भी नहीं है, हम 50,000 रुपए कहाँ से जमा करा के अपना इलाज कराएं। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई 1 रुपए भी नहीं है जिससे मैं दवाई भी लेके खा सकूं। दिन रात आपको शुरू से नहीं दिखे? हाँ जी, जन्म से ऐसे हैं जी। पूरा परिवार? यस सर। यही मांग करते हैं कि सरकार हमारी कोई सहायता करे, या जो आप लोग वो लोग हैं वो भी हमारी सहायता करें, हमारा था कि कोई दवाई खा सकें, कोई कुछ कर। अभी कितनी उम्र है आपकी? 25। आप 25 साल के हो गए, 25 साल की उम्र तक आपको सरकार से कोई किसी प्रकार की अभी तक कोई मदद नहीं मिली? नहीं सर जी, बहुत बार गए भी हैं, तरले हाथ भी जोड़े हैं, तरले भी निकाले, कह लें हमारा बजट ही नहीं है, हमारा बजट ही नहीं है। सर हमारे लोगों के लिए पास के लिए उनके पास बजट नहीं है, तो फिर और किस किस लिए बजट होगा? नहीं किसी तरह से नहीं आता सर।